रहका प्रखंड कार्यालय से महज 40 मीटर दूरी पर सार्वजनिक शौचालय के समीप विगत 8 से 10 दिनों से नलजल का पानी पाइप लीकेज की वजह से सड़क बर्बाद हो रहा है। इस भीषण गर्मी में पानी का इस तरह व्यर्थ बहाना कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। संबंधित विभागों को इसकी सूचना जब स्थानीय दुकानदारों द्वारा दिया गया, फिर भी इस तरह से उदासीन रवैया कहीं न कहीं सरकार और विभाग दोनों के लिए खुली चुनौती बनी हुई है। यह नलजल योजना एक तरफ सरकार जहां जल संरक्षण पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लाखों करोड़ों खर्च किया जा रहा है, बावजूद विभाग में इस तरह सूरत और कमजोर अधिकारी बैठे हुए रहेंगे जो समय की सीमा और अपने कर्तव्य से भागते हुए रहेंगे, तब तक सरकार की हरेक दावे ऐसे ही मुंह चिढ़ाएगी। इस भीषण गर्मी में एक तरफ पूरे जिले में पानी की कमी देखी जा रही है और दूसरी तरफ विभागों की लापरवाही से स्थानीय दुकानदार में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। दुकानदारों ने कहा कि दुकान के सामने से बहती गंगा की तरह पानी बह रहा है, जिले में पानी के लिए लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ व्यर्थ में पानी बर्बाद हो रहा है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रखंड प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। मौके पर दुकानदार देव नारायण साहू, सूरज कुमार साहू, राजेश कुमार, सुभाष चंद्र झा, सितंबर मिश्रा, राजीव कुमार समेत लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि दूरभाष पर संपर्क स्थापित नहीं होने के कारण वीडियो का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। 10-11 दिन से लीकेज छे, लीकेज के कारण कतो न कतो बाट बटोही के दिक्कत होते थे। दिक्कत छे, सब के दिक्कत, अंदर से लगा पब्लिक तक के दिक्कत। त की प्रखंड के कोनो भी कर्मचारी के एक सूचना गेले है विभाग से, गेल छले है, लेकिन वो आई के देखल के कल हम ऊपर कते दिन भ गेले के विभाग के एला देखला, ओकर 5-7 दिन भेल, 5-7 दिन विभाग के आबि के देखा गेल, लेकिन अखन तक कोनो तरह अमल नहीं। एक सप्ताह से, मतलब हाँ एक सप्ताह, 8 दिन, एक सप्ताह से ये पानी लगातार ऐसे ही दोनों टाइम पानी का रिसाव होता है। सुबह से लेके 12 बजे तक, फिर 4 बजे से लेकर के फिर जो है सो यही 6:30 बजे तक, 4-5 सुबह। तो इसकी जानकारी प्रखंड के कर्मियों को मिला है क्या? हाँ बोले हैं, क्या क्या आश्वासन? वो ठेकेदार रहा हुआ है, वहाँ पर जबकि जाने खबर आएगा उसे बोर्ड करके सही किया जाएगा। इसकी सूचना आप लोगों ने कब दिया था? मान लीजिए हुआ 2-3 दिन हुआ, उसके बाद जाके बोले 1-2 दिन बाने के बाद। तो 5 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ? हम लोग गए, हम गए थे खास करके ऑपरेटर को बोले, ऑपरेटर भी ऐसे ही फोटो वोटो लेके का बोला कि अब मिस्त्री आएगा तो होगा। अब मिस्त्री कब आएगा? 6 महीना में आएगा, 8 महीना में आएगा, वो तो जाने। यहाँ पर सब फंसा हुआ है, हम लोग का दुकानदारी तबाह हो रहा है, और क्या कहेंगे। प्रखंड कार्यालय से इतने नज़दीक होने के बावजूद भी अगर इस तरह की समस्या है तो कहीं ना कहीं ये विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। नल जल योजना 3rd क्लास योजना है, इस योजना ही सरकार का फेल है, ये नल जल योजना ही सरकार का फेल है। क्या नाम हुआ आपका? सितंबर मिश्रा। दुकान चलाते हैं? चला वार्ड में 1-2 कल दे दिए होता तो इससे बढ़िया होता, ये करोड़ों अरबों का रुपया फालतू घोटाला हो गया, ये सब घोटाला हो गया है। चलो ठीक, इससे हमें 1-2 कल मिल जाता सब पब्लिक खुश रहता। यहाँ तो आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।